हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डेप्रिशिएशन बाय कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है तो पहले आप वो जाके देख लीजिएगा ओके सो इन दिस मैथड वी विल डिस्कस द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन उसका इक्वेशन है स्मॉल पी इज इक्वल टू वन माइनस एस ओपन सी होल्ड रेस टू वन बाय एन वेर सी इज इक्वल टू ऑरिजिनल कॉस्ट एस इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू एंड एन इज इक्वल टू लाइफ इन ईयर ओके सो हमने अगले जो स्ट्रेट लाइन मेथड थी उसमें हमने देखा था कि एन्यल डेप्रिशिएशन हमें मिल रहा था इस इक्वेशन से राइट right. तो उसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट थी कि हर साल इतना डेप्रिशिएशन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमको क्या फाइन करना है पहले रेट ऑफ डेप्रिशिएशन फाइन करना है ओके आफ्टर द फाइंडिंग आफ्टर फाइंडिंग द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वी कैन वर्कआउट द बुक वैल्यू ऑफ डेट ईयर ओके फाइन और अगर हमें डायरेक्ट उसको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कैसा इक्वेशन है बुक वैल्यू आफ्टर एम ईयर्स इज इक्वल टू सी इंटू एस बाई सी रेस टू एम बाय एन मतलब ये इक्वेशन में क्या है अगर समझिए कि मेरी जो मैंने जो प्रॉपर्टी परचेस की हुई है और जो मशीन परचेस किया हुआ उसकी लाइफ कितनी फिफ्टीन ईयर्स है बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ डेट मशीन आफ्टर द एंड ऑफ टेन ईयर्स देन वॉट विल हैपन so 15 years will be my स्मॉलर and 10 years is equal to small m right so I will get the answer directly by this equation for the m years okay अब सॉल्व करते हैं हम एग्जांपल नंबर वन चलिए देखते यहाँ पर हमें क्या दिया गया है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन चार्जेस वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड द स्क्रैप वैल्यू इज एट थाउजेंड The life span is 40 years calculate the book value after 15 years by constant percentage method right तो यहाँ pe हम क्या करेंगे देखिए जो चीज़ हमें देख हुई है pehle पहले लिख देते तो यहाँ pe hamare पास जो cost hai original वो कितनी है 120000 hai scrap value है स्क्रैप वैल्यू जो दी गई है वह एट थाउजेंड लाइफ मतलब स्मॉल एन हो गया फोर्टी थाउजेंड सॉरी फोर ईयर्स फोर्टी ईयर्स सॉरी और जो जहाँ पे हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या लेंगे? एम ये आप याद रखिएगा इक्वेशन बहुत जरूरी है याद रखना कितन कहाँ पे फाइंड करनी है हमें फिफ्टीन ईयर्स पे फाइंड करनी है राइट right. तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन अवेलेबल है कौन सा वाला था बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर एम ईयर्स

डिवाइडेड बाय फोर्टी तो ये आंसर हमारा आ जाएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवेंटी थ्री रुपीज ओके सो दिस इज बुक वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ फिफ्टीन इयर्स. ओके नाउ लेट्स सी द नंबर टू अ मशीन इज परचेस्ड फोर रुपीज वन लैक इफ आफ्टर फाइव ईयर्स इफ आफ्टर फाइव ईयर्स इट स्क्रैप वैल्यूज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन एंड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग द कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड सो चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन किस रेट से जो डेप्रिशिएशन हो रहा है वो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा तो मैं पहले क्या फाइंड करता हूं देखिए यहां पे रेट ऑफ डेप्रेशिएशन क्या इक्वेशन था इसका हमारा स्मॉल पी इज इक्वल टू वन माइनस एस ओपन सी रेस टू वन बाय एन यहाँ पे एन क्या हो जाएगा ये फाइव ईयर्स हो जाएगा चलिए वन माइनस स्क्रैप वैल्यू दी गई है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ये जो वैल्यू हाँ, okay, है वो हमारी वन लाख सॉरी हाँ ओके वन लैख है रेस टू वन बाय फाइव इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं रुकिएगा तो ये यह हमारा यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो रेट जो आ रहा है वो क्या है जीरो पॉइंट टू फोर टू वन मतलब कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि हर साल बुक वैल्यू में से जो डेप्रिशिएशन होगा उसका रेट कितना होगा 0.2421 होगा ओके okay, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं टेबल के अंदर तो टेबल में सबसे पहली कॉलम जो है वो लाइफ ईयर्स लिखना है तो स्टार्टिंग में हो जाएगा जीरो फिर वन टू थ्री फोर एंड फाइव एट द स्टार्टिंग विल बी जीरो टोटल विल बी जीरो एंड द बुक वैल्यू विल भी दन लैख रुपीज ओके नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एनुअल डेप्रीसी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो वो कितना होगा यहाँ पे समझते हैं हम इसको नीचे ओके ये हो जाएगा हमारा एट द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा पी इंटू बुक वैल्यू जो है हमारी वन लैख राइट पी कितना है जीरो पॉइंट टू फोर टू वन और ये है वन लैख ये हो जाएगा हमारा टू फोर टू वन जीरो हो जाएगा क्लियर तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या हो गया हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ वन ईयर तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा सो आई विल राइट हियर टू फोर टू वन जीरो राइट अब एनुअल टोटल डेप्रिसिएशन भी इतना हो गया टू फोर टू वन जीरो नाउ व्हाट विल द बुक वैल्यू सो बुक वैल्यू विल बी दी वन लैख माइनस टोटल डेप्रिसिएशन तो वो कितना हो जाएगा वन लाख माइनस टू फोर टू वन जीरो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 75,000 फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज सेवन फाइव सेवन नाइन जीरो अब अगले साल के लिए मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फिर से हम एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना तो कैसे करेंगे तो हमारा रेट कितना है रेट है जीरो पॉइंट टू फोर टू वन मल्टीप्लाई किससे करेंगे So, आपकी उस टाइम पे आपकी बुक वैल्यू कौन सी है यह सेवन फोर सेवन फाइव सेवन नाइन जीरो सो आई विल मल्टीप्लाई सेवन फाइव सेवन नाइन जीरो विथ टू पॉइंट टू फोर टू वन आई विल गेट एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट रुपीज एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड Now what will be total विल So टोटल डेप्रिसिएशन सो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये जो टू वन टू फोर टू जीरो है और ये वन एट थ्री फोर एट इसको क्या करेंगे हम दोनों को एड कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी टू फोर टू वन जीरो प्लस वन एट थ्री फोर एट वो आ जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज फिफ्टी एट रुपीज और बुक वैल्यू कितनी होगी तो हम वन लेक में से क्या कर लेंगे फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट रुपीज को माइनस कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी टू रुपीज उसी तरह से अगर हम एनुअल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी टू रुपीज मल्टीप्लाइड बाई जीरो तो पॉइंट टू फोर टू वन ये हमारा आ गया थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स रुपीज थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स रुपीज अगर हम उसको सब में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर इसको हम किस में से कैलकुलेट माइनस कर लेंगे हमारी जो तो टोटल बुक वैल्यू थी वन लाख उसमें से हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स रुपीज फिर से हमें एट दोर ईयर उसका डेप्रिसिएशन जो एनुअल डेप्रिसिएशन जो फाइंड करना रहेगा वो कैसे फाइंड करेंगे फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड थाउजेंड फाइव फोर्टी रूपीज टेन थाउजेंड फाइव फोर्टी रूपीज एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा फाइव सिक्स सॉरी फाइव सिक्स फोर सिक्स फोर प्लस वन जीरो फाइव फोर जीरो एक हमारा हो गया सेवन सिक्सटी सेवन थाउजेंड फोर रुपीज उसको हम किसमें से माइनस करेंगे वन में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ गया थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन सिक्स रुपीज फिर से एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर एनअल डिप्रेशन विल बी थर्टी टू थाउजेंड नाइनटी नाइन नाइन हंड्रेड नाइनटी सिक्स इन टू जीरो पॉइंट टू फोर टू वन तो ये आ रहा है हमारा सेवन थाउजेंड ओके और टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करने क्या करेंगे तो ये पांचों का टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस सेवन नाइन एट एट ये हो गया हमारा सेवनटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी टू रुपीज माइनस वन लेख लाख में से उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा ट्वेंटी थाउजेंड एट रुपीज सो हियर यू कैन सी डेट वी गेट द आंसर एस ट्वेंटी थाउजेंड एट रुपीज एट फाइव ईयर सो हमने आगे भी देखा था कि कॉन्स्टा स्ट्रेट लाइन से हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसका भी आंसर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अराउंड ही आया था बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट द फाइव ईयर्स आफ्टर द फाइव ईयर्स ये जो मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जा रही है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है ना अगर मैं पाँच साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा तो मुझे यही आंसर आएगा उसके नज़दीक ही आंसर मिलेगा राइट तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से तो एक्जैक्ट आंसर आ रहा था यहाँ पर हमें आठ रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं देखिए ओके सो so फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वैरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा